एग्जाम पैटर्न तो आपने समझ लिया इस वीडियो में, लेकिन एग्जाम पैटर्न में जो चीजें आई है वो कितने कितने मार्क्स की आएंगी और कितने कितने वर्ड्स में लिखनी है, ये सारा मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बड़े अच्छे होंगे और अपने जेके बोर्ड एग्जाम्स की प्रेपरेशन बड़े अच्छे वे में कर रहे होंगे। तो आपकी जेके बोर्ड एग्जाम्स की प्रेपरेशन को और आसान बनाने के लिए मैं गर्म महाजन ले आया हूं आज की ये वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। जी हाँ, एग्जाम पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो बड़े ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बड़े ही ज्यादा यूजफुल और बड़े ही ज्यादा नॉलेजेबल रहने वाली है आप सभी के लिए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपका हर एक डाउट पेपर पैटर्न को रिलेट को लेके क्लियर हो सके। हेलो एंड वेलकम बैक टू द YouTube चैनल कॉम्बाइन एजुकेशन। अपने जीके बोर्ड एग्जाम्स की प्रेपरेशन के लिए आपने एकदम सही चैनल को क्लिक किया है, कॉम्बाइन एजुकेशन को। तो जेके बोर्ड क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम पैटर्न, तो देखो एग्जाम पैटर्न को समझने से पहले ये चीज समझ लो कि आपका एग्जाम कितने मार्क्स में आएगा। तो देखो दोस्तों, जिस तरह से आप 10th में एग्जाम देके आए हो ना, 80 मार्क्स का एग्जाम और 20 मार्क्स जो है वो स्कूल से जाएंगे, वही पैटर्न फॉलो होगा 11th की पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में 80 मार्क्स का आपको थ्योरी का पेपर आएगा और 20 मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट के थ्रू स्कूल से जाएंगे। अब ये 80 मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, इसके बारे में बात करते हैं। और अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस के स्टडी मटेरियल की, तो देखो हमें स्टडी मटेरियल वो चाहिए जो हमें जेके बोर्ड एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट लगे। अब आप अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग टीचर से क्या करते हो, नोट्स ले लेते हो हजारों रुपीज खर्च करके, तो उसका कोई बेनिफिट रहेगा नहीं। वेबसाइट से तो वैसे भी जो नोट्स आते हैं वो क्या ही नोट्स रहते हैं, क्योंकि एक एक लाइन में सारी चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन अगर आप कंबाइंड एजुकेशन से जो है वो स्टडी मटेरियल लेते हो, तो उसमें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी के हैंड रिटन, प्लस इंटरनेट से, प्लस अलग अलग सोर्सेज से लिए हुए नोट्स जो जेके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बड़े ही ज्यादा रेलिवेंट होंगे, उस तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा जो मैक्सिमम टाइम बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 99.9% बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इतनी इजी लैंग्वेज में मैं वो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा कि आपने एक बार पढ़ा आपको वापस से उस क्वेश्चन को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी सिंपल लैंग्वेज, इतनी आसान भाषा में मैं आपको वो सारी चीजें करवाऊंगा और ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज में, कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस, जिसमें मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपके एनसीईआरटी फोल्डर, चैप्टर प्रैक्टिस और सेल्फ असेसमेंट, ये सारी चीजें इंक्लूड रहेगी। तो इसको गेन करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज कॉम्बाइन एजुकेशन पे डीएम जरूर कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम सभी एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इज एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न, ये होता क्या है? तो देखो एग्जाम पैटर्न का मीनिंग आता है जिस तरह से क्वेश्चन पेपर डिजाइन करके आपको मिलेगा। अब क्वेश्चन पेपर डिजाइन करके मतलब उस पर पेंटिंग की होगी, ऐसा नहीं। क्वेश्चन पेपर डिजाइन करके मिलना मतलब क्वेश्चन पेपर में कितनी चीजें आई हैं, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हैं तो कितने आए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर आए हैं तो कितने आए हैं, शॉर्ट आंसर आए हैं तो कितने आए हैं और कितने कितने मार्क्स के आए हैं, ये सारी चीजें होती है एग्जाम पैटर्न कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरह से आपको आएगा, आपका एग्जाम किस तरह से आएगा। अब अगर बात करें एग्जाम पैटर्न को समझना क्यों जरूरी है, तो देखो एग्जाम पैटर्न को मुझे लगता है समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपने एग्जाम पैटर्न को समझ लिया, आपके पास पूरी नॉलेज आएगी कि आपका पेपर किस पैटर्न से आएगा, फिर आप उसी तरह से रफ पेपर डिजाइन करके, उसी तरह से मॉडल पेपर लेके, उसी तरह से किसी वेबसाइट से पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर लेके आप तैयारी कर सकते हैं, ये चीज फाइंड आउट लगा सकते हैं कि आपको कितना आंसर कितने वर्ड्स में लिखना है, कितनी लाइंस में लिखना है और क्या आप अपना पेपर, क्या आप अपना रफ पेपर 3 घंटे में पूरा कर पाते हैं या नहीं,
इसलिए एग्जाम पैटर्न को समझना बड़ा जरूरी है ताकि बाद में चलते आपको किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि ये चीजें मैंने क्या लिखी, तो इन्हीं चीजों को आपको उतारना है। इसी तरह से आपका पेपर पैटर्न जो है वो आपको आएगा। जी हाँ, आपके पेपर में टोटल सेक्शन जो है वो 5 सेक्शन आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ इन 5 सेक्शन में क्या क्या चीजें आएंगी, कितने कितने मार्क्स की आएगी और किस तरह से आपको उसको अटेम्प्ट करना है। तो देखो, सेक्शन ए में आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा, तो यहाँ ये सेक्शन बनती है 10 मार्क्स की। यहाँ सिंपल आपके जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उनमें से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं वहां पे स्टेटमेंट दी जाएगी, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जो करेक्ट लग रहा है उसको आप मतलब उसका आंसर आप लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद सेक्शन बी में आपको 9 वेरी शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे, 9 वेरी शॉर्ट आंसर। अब एक बात पूछी जाए तो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उन सभी के मिला के 200+ जो वेरी शॉर्ट है, 200+ शॉर्ट आंसर है, 200+ पैसेज शायद इतने नहीं होंगे, 150+ लॉन्ग आंसर है और 50+ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपको क्या लग रहा है, ये सारे पढ़ने की जरूरत है क्या? मैंने ये सारे चीजें पढ़ी थी? जी बिल्कुल भी नहीं। बल्कि जरूरत क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मुआयना लो, वहां पे हर एक चैप्टर के अलग अलग नोट्स तैयार करते जाओ। जी हाँ, जैसे मान लो पिछले 15-20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस लो, उसके बाद हर चैप्टर के नोट्स तैयार करते जाओ, उसके बाद मॉडल पेपर तैयार करते जाओ। 6 मॉडल पेपर आपको, 5 मॉडल पेपर करने पड़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी आपको लेना पड़ेगा। ये सारा लेते जाओ, आपके जो बनते हैं ना शॉर्ट आंसर वो फिर बनेंगे 50-60, उनको आपको प्रिपेयर करना है, कहाँ 200 कहाँ 50-60। और अगर आप ये सारा चीजें एक ही बार में लेना चाहते हैं, वो भी 500 रुपीज में, तो मेरे इंस्टाग्राम पेज कॉम्बाइन एजुकेशन पे DM जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको JK बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, एक मैथमेटिक्स को छोड़ के। तो ये जो 9 वेरी शॉर्ट आंसर है, इनकी वर्डिंग आपको लगभग 20-30 वर्ड्स में बनानी पड़ेगी, लगभग 2-3 लाइनें आपको वेरी शॉर्ट आंसर के लिए लिखने पड़ेंगे, तब आपको हर वेरी शॉर्ट में 2 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद बात करें सेक्शन सी, सेक्शन सी में भाई शॉर्ट आंसर आएंगे, कितने शॉर्ट आंसर आएंगे, 7 शॉर्ट आंसर आपको पूछे जाएंगे, हर एक शॉर्ट आंसर 4-4 मार्क्स का होगा, तो ये सेक्शन बनती है 32 मार्क्स की। अब यहाँ पे जो शॉर्ट आंसर लिखना है, लगभग 100-150 वर्ड्स में लिखना है, 100-150 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा, लगभग 1-1.5 शीट आपको शॉर्ट आंसर के लिए फिल करनी पड़ेगी, तब जाके पॉलिटिकल साइंस के शॉर्ट आंसर में आपको पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। अब कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक पेज में या 1 से भी थोड़े कम पेज में शॉर्ट आंसर को लिख के आते हैं, फिर बोलते हैं हम शॉर्ट आंसर लिख के आएंगे, हमें मार्क्स ही नहीं मिले। भाई कहाँ से मिलेंगे, वर्डिंग तो मैच करो। उसके बाद अगर पैराग्राफ में नहीं आ रहा, अगर स्टेप में आ रहा है, तो लगभग 4 स्टेप आपको लिखने ही पड़ेंगे शॉर्ट आंसर के लिए। उसके बाद डी सेक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्यों, डी सेक्शन ना ये जो 6 मार्क्स है ना, फ्री के मार्क्स है, 20 मार्क्स स्पोर्ट्स से जाएंगे प्लस 6 ये लगा लो, 26 मार्क्स फ्री के आपको, क्यों, यहाँ पे आपको 15-20 लाइनों का पैसेज दिया जाएगा। उसके बाद 3 क्वेश्चन पैसेज के रिलेटेड पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा, तो ये सेक्शन 6 मार्क्स की बन जाएगी। भाई ये जो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, इनका आंसर मैं आपको बताता हूँ कहाँ होता है। पहले वाले का आंसर होता है मिडल वाली लाइन्स में, जो सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन होता है उसका आंसर होता है स्टार्टिंग वाली लाइन में, और जो थर्ड वाला होता है उसका होता है लास्ट वाली लाइन में। तो इनको आप देख के ना कुछ भी रेलिवेंट लिख के आ जाना, 2 मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे पैसेज की। उसके बाद भाई बात आ जाती है सेक्शन ई लॉन्ग आंसर की, तो मेरी एक बात सुनो, यहाँ पे आपको नो चॉइस थी, सेक्शन ए में नो चॉइस, सेक्शन बी में चॉइस नहीं है, सेक्शन सी में चॉइस नहीं है, सेक्शन डी में चॉइस नहीं है, लेकिन सेक्शन ई में आपको चॉइस मिलेगी। सेक्शन ई में आपको 3 लॉन्ग आंसर जो आएंगे ना, वो इंटरनल चॉइस के बेस्ड पे आएंगे, हर एक शॉर्ट लॉन्ग आंसर 6-6 मार्क्स का होगा, और ये सेक्शन बनती है 18 मार्क्स की।
इंटरनल चॉइस क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन नंबर वन आया, क्वेश्चन नंबर वन, ये आपको कोई क्वेश्चन नंबर वन है, उसी के और में कोई क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन डाल दिया जाएगा, फिर क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन डाला और में एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन डाला और में एक और क्वेश्चन, इस तरह से आपको ये तीन क्वेश्चन आएंगे। ये लगभग आपको 150 से 200 वर्ड्स में लिखने पड़ेंगे, 150 से 200 वर्ड्स में, लगभग 2 से 2.5 शीट में आपको पॉलिटिकल साइंस का लॉन्ग आंसर बनाना पड़ेगा अगर 6 मार्क्स लेना चाहते हो तो। अगर लॉन्ग आंसर में 3-4 मार्क्स लेना चाहते हो फिर चाहे 1.5 पेज में बना देना, फिर अगर टीचर का मन करेगा वो एक मतलब 3 मार्क्स भी देगा, नहीं तो मार्क्स काट लेगा, क्योंकि भाई पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में ना आपको लिखना आना चाहिए। और एक और मैं बात बता दूं आपको, जितने भी स्टूडेंट JKAS JKPCS सिविल सर्विस का एग्जाम देना चाहते हैं, ध्यान से सुन लेना बात को, राइटिंग स्किल पे ध्यान दे दो, पॉलिटिकल साइंस का आंसर बनाने पे ध्यान दे दो, पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो 3 घंटे का आएगा आपको, ये सारी चीजें आपको 3 घंटे में कंप्लीट करनी है। लेकिन उनके लिए मैं स्पेशल हदायत देना चाहता हूँ, 2.5 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करो, जितना लिखते जाओगे, जितना लिखने की प्रैक्टिस होगी, एग्जाम क्वालिफाई करना उतना ईजी हो जाएगा। जी हाँ, ये एक फॉर्मूला आता है, जितना लिखने की प्रैक्टिस होगी एग्जाम क्वालिफाई करना उतना ईजी हो जाएगा, फिर चाहे आप बोर्ड एग्जाम्स की बात करो या सिविल सर्विसेज के एग्जाम की बात करो, ये एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पेपर पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में समझ लिया। स्टडी मटेरियल के लिए इंस्टाग्राम पेज कंबाइंड एजुकेशन पे DM जरूर करो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो कंबाइंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकें।